करते हैं तो शक्ति या बच्चे के पास जाएंगे तो कोई शक्ति नहीं मिलेगी, और शिव बाबा के या वहाँ दरबार में या वहाँ जाएंगे तो वहाँ शक्ति मिलेगी। ठीक है, चलो बनाता हूँ। आपने सही प्रश्न किया। अगर आप बताइए एक साल दस साल आप ले लो, कोई भी जप करो, किसी की पूजा करो, क्रोध एक को मिटा के दिखाओ, कोई भी मुझे आप किसी ने किया हो, सुनो तभी पूछा हमने क्या पूछा कि अगर एक डॉक्टर कहता है मैं बीमारी मिटाता हूँ, अगर भगवान है वो पतित को पावन करता है, अगर कोई भी शक्ति सत्य साहिबा ले लो नहीं तो और श्री राम ले लो, गणेश ले लो, किसी के भी किसी वेद शास्त्र रामायण किसी का भी पूजा करे तपस्या करे एक साल दो साल दस साल भी बताओ, अगर उनके करने के बाद उनके अंदर से पांच विकार बुरे स्वप्न आना बंद हो गया, ऐसा कोई अधिक क्रूर दिखाओ। अभी मैंने किया तो बता रहा हूं, एक अभी भी जीवित है बेंगलुरु से एक माता आई, अभी सन्यासी माता, पे हमको पता नहीं था तो मुझे मिलाए, अलग अकेले थे हम तो मिलाए, तो मैंने बहुत प्रश्न पूछा, नहीं तो कभी कोई ना कोई होता है। आपने हिमालय पर जाके क्या तपस्या की? कहती मैंने इतना साल हिमालय पर गुफा में बैठ के तपस्या किया। हमने कहा क्या तपस्या किया? कहते ओम की धुनी करते आंखें बंद करके। हमने कहा हाँ, खाना कौन खिलाता था? फिर कह रहे कि मैं आंखें बंद करके बैठती हूँ, दो रोटी और सब्जी पत्ते को लपेटा हुआ मेरे पाव के नीचे रखते, मैं देखता गर्म लगा, आंखें खोलती हूँ तो दो रोटी और सब्जी रखा, किसने रखा पता नहीं, मैं एक दिन भी भूखी नहीं रही। फिर मैंने कहा स्नान कहाँ करते थे? पानी इतनी ठंडी है, ठंडी में स्नान कैसे करते? सब पूछते क्या तपस्या का। फिर मैंने पूछा क्या आपके अंदर बुरे स्वप्न नहीं आते हैं? तब उन्होंने बताया, उसका जवाब नहीं दिया। क्या दिया जवाब? कि मेरे बेटे ने शरीर छोड़ा तो मैं बहुत कई थी, मुझे पता चला मैं कार लेके आई बच्चे के अंतिम संस्कार पर, मेरे आंखों से पानी नहीं आया, इतना ही बोला। हमने पूछा था क्या आपके अंदर बुरे स्वप्न नहीं आते? क्रोध ने उसका जवाब नहीं दिया। तुमने हिमालय पर जाके तपस्या करके क्या किया? क्यों किया था? सिर्फ आंखों से पानी नहीं आना इसलिए? अभी दवाई देते, अभी भी जीवित है बेंगलुरु में, अभी छह महीने पहले, हर एक से पूछना है, पूछ के बताया, सवेरे भी बताया था आपको, एक संन्यास सबने कहा इनके तन में भगवान आता है, देवी आती है, उनको पूछा, उसने कहा मैंने कभी नहीं कहा, पुटपत्रिका सत्य साई बाबा ने कभी उसने लिखा भगवान निराकार, उसने कहा मैंने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, ये लोग कहते हैं, तब कहा कि लोग कहते, उसने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, तभी कहा ये, मैंने कहा कि हम बेंगलुरु में गोल्डन टेम्पल अभी भी जीवित है, खत्म नहीं हुआ, वो सन्यासी है, उसको हमने पूछा दो अभी दो चार साल पहले पर्सनली मिला, सब लोगों ने कहा इनके तन में अम्मा आती है, तो उनको स्वयं पूछा, अभी मधुबन में गुलजार दादी है, आप गुलजार दादी को पूछ सकते हो, ब्रह्मा कुमार में कहते हैं, हम कहते हैं, ये लोग सब कहते हैं, आप इनका नहीं सुना, उनको ही पूछो क्या आपके तन में, दादी जी हमने सुना हमने देखा कि आपके तन में निराकार शिव बाबा आता है, उनको ही पूछा, पूछ सकते हो, मधुबन में जा सकते हो, जाते सभी जीवित है, ऐसी नहीं कहानी नहीं, वो सन्यासी भी जीवित है, कहानी नहीं सुना, सब बातें प्रूफ बताते हैं। तो ऐसा कोई है आज बड़े बड़े संघ महामंडलेश्वर शंकराचार्य किसी से पूछो प्रूफ चाहिए ना। तब मैंने आपको सवेरे कहा कि वो स्वामी नारायण का गुरु आज से 10 साल पहले कहते मैं आठ पर बी पीएचडी कर रहा था स्वामी नारायण का, बनारस में पीएचडी कर रहा था, तब से मैं सोच रहा था कि इनको दिमाग ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण नहीं है कौन है। तो एक दिन मिला तो कहा कि भाई जी आप लोग ऐसे कहते हो, भाई जी हम स्वामी जी आप तो पीएचडी के इतने बड़े धर्म गुरु हुआ, अभी भी 70 साल थे उनको, तो हम गलत हो सकते हैं, हम छोटे हैं, गलत है, आप रास्ता दिखाओ। हमने कहा ओम शांति भवन में 20-25 हजार लोग बैठे थे, आप आओ मैं आपको आगे आगे जगह, तो आप देख के मैं बताओ ये बकवास है या भगवान है, आप देख के बताओ, सुन के नहीं। कहता मैं आता हूं, खास कार करके आया, सामने सामने बिठाया, और उसके बाद कहने लगा, उसके बाद भी चार दफा आया, उनके सिल्वर जुबली में हमको भी बुलाया, तब कहने लगा आज पता चला मैंने अपना जीवन सुनी सुनी बातों पर गवाया। तब कहते इंग्लिश में सत्य क्या है, एक आंखों से देखना भी है, उसी समय कानों से सुनना है, सुनना देखना दोनों साथ साथ, हमने रामायण महाभारत पढ़ा, सुना देखा नहीं किसी को, यार गीता किसी ने लिखी, किसी ने श्री कृष्ण को देखा, किसी ने एक अर्जुन ने देखा और किसी को नहीं दिखाया, तो गीता लिखी किसने?
कौन कौन सी गीता पढ़ रहे हैं? गांधी जी जेल में था, गीता लिखी, कृष्ण को देखा था। तो ये पूछते, हम पूछते नहीं, सुनते हैं। भगवान ने गीता सुनाई, किसको सुनाई? ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आके ये ज्ञान सुनाता अभी, ये गीता ज्ञान सुनाता है। चैतन्य में भगवान अब आता है, तो वहां कृष्ण के तन में आया था, किसने देखा था? किसने देखा? किसने लिखी? लिखने वाला व्यास कोई, उसने तो देखा ही नहीं। तो ये सब क्या, ये सब सोचना चाहिए। और कृष्ण की इतनी तमिया ये किया है, ऐसा सही है ये? कृष्ण तो ऐसा, कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या मक्खन गाय चराता था वो, भारत का प्रिंस? तो ये सब किसने लिखा, ये कहां से लिखा?